नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप जबको पता है कि जो हमारा परसेंटेज की तीन वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो नेवी एमआर एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड के अंदर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं कुछ अच्छे लेवल के उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत आपको वीडियो में इंटरेस्ट आएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। को बहुत अच्छे लेवल के यहां पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्कूल है उसमें लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात 3:2 है। उसने कहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो, मैंने माना कि 30 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 20 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए आप मिटाल दीजिए। ये है मेरा बॉयज और ये है गर्ल्स, ये है गर्ल्स। अब उसने क्या कहा है कि 20% लड़के, इतने तो लड़के हैं टोटल 20% लड़के, अब इसका मैं 20% निकालूं, 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 6 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती होगी। ध्यान से समझना, 6 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती होगी। 25% लड़कियां, 25% लड़कियों का मतलब यहां पर हो गया 5। कितने लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है? 5 लड़कियों को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिल रही है। अब मिल कितने को नहीं रही, देखिए ये तो 24 है मेरे पास और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 15। इनको तो मिल रही है और इनको नहीं मिल रही। उसने हमसे कहा है कि किन कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। देखो 24 और 5 टोटल कितना हो गया मेरे पास, 39। कितना हो गया 39, और परसेंटेज हम निकालते हैं टोटल पर 30 और 20 50। ये आपने 50 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया आपने 100। कितना गया ये 78%, कितना गया 78%, यानी कि 78% ऐसे विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरा क्या है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, मूल संख्या वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि आपको किसी संख्या को 20% बढ़ाना है, ठीक है। 20% का मतलब आप इसे लिख सकते हैं, 20% आपने बढ़ाया, मैंने कहा कि 20 बटा आपने कितना किया 120। अब वापस संख्या यानी कि 120 किया तो मुझे इसे वापस किस में लाना है, 100 में लाना है। किस में लाना है, 100 में लाना है। इतना ही प्रतिशत उसे क्या करना होगा, उसे हमें करना होगा कम। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये कितना जाएगा 6, यानी कि 100/6 और आप इसे काट सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 6 6 कम 6 और उसके बाद 6 6 36 16 सही 2/3 आपके पास राइट आंसर के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं, आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, चाहे आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। देखिए किसी गाँव में 12% बकरियाँ बाढ़ में बह गई। मैंने कहा कि 12% बकरियाँ हैं वो बाढ़ में बह गई, इसका मतलब कितनी प्रतिशत बची हैं हमारे पास, 88% अभी भी बकरियां बची हुई हैं। आगे क्या बोला है उसने कि 5% बकरियां बीमारी से मर गई। जो ये 88 था ना, इस 88 की 5% बकरियां हैं वो बीमारी से मर गई हैं। उसके बाद उसने बोला है कि अब 8360 बकरियां बची हैं, तो बताइए शेष बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरी थी। देखो मैंने यहां पर कहा कि पहले 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो कितनी बच गई होंगी, 88%, मतलब 88/100। दूसरी बार उसने कहा कि 5% और बह गई, 5% रह गई तो कितनी बच गई, 95, यहाँ पर डिवाइडेड में कर देंगे 100। मैंने माना कि शुरुआत में जो बकरियाँ थी वो कितनी थी, यहाँ पर x कितनी थी, x बराबर में आपकी जो आपको दे रखा है 8360, कितना दे रखा है 8360। आप इसे काटेंगे, इसे पूरा 8360 बार कट जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 10,000।
कितनी आ जाएगी, 10,000। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये सीजीएल प्री के और मेंस के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें, क्वेश्चन 4 हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 900 अधिकतम अंकों में से, अधिकतम अंक कितने हैं मेरे पास 900, कितने हैं 900, और उनमें से बोला है कि एने एक विषय में 72% प्राप्त किए और दूसरे विषय में, देखिए वो इसके 72% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। इसके 72% आप निकाल सकते हैं 9 × 18 = 88 लेख 9 × 7 = 63 और ये कितना जाएगा 64, यानी कि 648 मार्क्स उस बंदे ने प्राप्त किए हैं। आगे क्या बोला है उसने कि दूसरे विषय में उसने 700 में से, दूसरा विषय में कितने 700 और इसके इसने 80% अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्राप्त किए हैं 80। यदि दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है, इसका आप निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 560, 8756 हो जाएगा। आप इनको ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8, 6 और 4, 10 का 1 0, 5 और 6 11 और 1 12, यानी कितना आ गया 1208, कितना आ गया 1208, और मुझे परसेंटेज निकालना है 1600 पर, तो 1600 पर आप इजीली निकाल सकते हो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और आप इसे कर सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं, देखिए ये आप 75.5% आ जाएगा, ठीक है आप इसे निकाल सकते हैं, 16 × 7 = 112 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, 88 बच जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली, आप 30 सेकंड भी, आप 20 सेकंड के अंदर, यानी इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, कुछ नहीं, बिल्कुल आप थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपको करना है और आप इजीली परसेंटेज के मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, उसने बोला है कि किसी सेना के 10% जवान, कितने जवान 10% जवान है वो युद्ध में शहीद हो गए, उसके बाद उसने बोला है कि 10% रेस ग्रस्त हो गए और उसके बाद उसने बोला है कि 10% उसके असक्त घोषित कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि 10% तो ये हो गए, उसके बाद बच जाते हैं 90, फिर ये 90 का 10%, फिर उस 90 का बाद में 10%, तो इस तरह से आपको करना है। जैसे अभी अभी हमने किया था भाई, मैंने मान लिया कि शुरुआत में सैनिक कितने थे, एक्स थे, उनके 10% शहीद हो गए तो कितने बच गए 90, कितना बच गए 90, उसके बाद 10% और काम में आ गए कितना बच गए 90, उसके बाद 10% और काम में आ गए कितने बच गए 90, और फाइनली जो उसने कहा है फाइनल जवानों की संख्या है जो कितनी बच गई 729,000, कितनी हो गई 729,000 है, 729,000 यहाँ पर ये बच जाती है। तो आपको बताने की प्रारंभ में कितने शहीद और कितने सैनिक थे, देखो 1 0 से 1 1 यहाँ पर आप कैंसिल इसे कर दीजिएगा और 9 * 81 = 81 या 200 आप इसे एक बार काट लीजिए, देखिए पहले मैं 9 से काटता हूँ, 9 × 8 = 72, 9 = 1 = 9, फिर इसे आप काट लीजिए पूरा पूरा ये यहाँ से चला जाएगा और जो x की वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर आपका 1 आएगा, 1 2 3, 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से, ये मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे बोला है कि 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया तो त्रुटि प्रतिशत, देखो 1.5 को 1.55 मापा गया है, इसका मतलब हमसे जो गलती है वो कितने की हुई है, तो गलती हुई है हमसे 0.05 की, कितने की हुई है 0.05 की, कितने पर हुई है 1.5 पर, तो आप इसे लगा लीजिए यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे आप 100 कर दीजिए, तो इसे आप जब काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, इसका मतलब 10/3, और मैं कह सकता हूँ 3 से ही 1/3% आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाओगे, ज़्यादा इतनी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए एक बार हम आपको एक क्वेश्चन अगला करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि एक व्यापारी 2,10,000, देखिए 2,10,000 लैपटॉप पर और उसके बाद 1,00,000 मोबाइल पर, 1,00,000 वो कितने पर करता है, मोबाइल पर करता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि 2,10,000 वो किस पर करता है, 2,10,000 लैपटॉप पर और 1,00,000 यहाँ पर किस पर करता है, वो करता है मोबाइल पर। उसके बाद 1,50,000 कितने करता है, 1,50,000 कितने करता है वो, 1,50,000 किस पर कर देता है वो, टेलीविजन सेट पर आयात कर देता है। उसे विशेष मामले के रूप में क्या कर रहा है, उसे उसे कोई विशेष मामला है, उसमें 10% जो टैक्स है वो देना है लैपटॉप पर, और 8% देना है मोबाइल पर, और 5% देना है उसको, तीसरी चीज क्या है, टेलीविजन, इस पर देना है। उसे उपयुक्त विवरण के अनुसार सभी वस्तुओं में कितनी ड्यूटी का भुगतान करना होगा। देखिए यहाँ पर इसका 10% निकाल लीजिए, आपके पास कितना जाएगा, 21,000। इसका 8% निकाल लीजिए, कितना जाएगा आपके पास, 8,000। और इसका 5% निकाल लीजिए आप, कितना जाएगा आपके पास, 7,500। उसने हमसे पूछा है टोटल 21, और आपके पास ये कितना हो जाएगा, 21 और 8 29 और 7 36,500 आपके पास जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपका, 36,500 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए वो क्या दिया हुआ है आपको कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 30 मिनट एक दिन का, देखिए इसके अंदर कैलकुलेशन है बाकी कुछ भी नहीं है, 30 मिनट आपसे उसने पूछा है एक दिन का कितना प्रतिशत है। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24, 24 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 60, कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। यही उसने पूछा हमसे कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आप इसे काट लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट उसने क्या क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन यदि हम बात करें 10 नंबर की, तो उसमें हमसे बोला है कि एक व्यापारी की आय 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है, उसके 5 वर्ष तक उसकी कुल आय 72,000 होगी, तो वर्तमान आय कितनी होगी। तो भाई उसने क्या कहा कि आय है, एक व्यापारी है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है पहले वर्ष में, फिर 4% घट जाती है, तो इस तरह से 5 वर्ष में उसकी कुल आय 72,000 होगी, तो उसकी वर्तमान आय हमारे पास क्या हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि एक व्यापारी की आय 25% बढ़ जाती है तथा उसके अगले वर्ष 4 वर्ष घट जाती है, इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 होगी, उसकी वर्तमान आय क्या है। उसने कहा है कि पहले वर्ष 25% बढ़ जाती है, मैं लिख दूंगा कि 125/100 हो गई। उसने कहा कि दूसरे वर्ष 4 घट जाती है, मैंने लिखा 96/100। उसके बाद उसने कहा कि फिर बढ़ जाती है, 5 साल तक यही जो डेकोरम है वो चलता रहेगा, इसी तरह से ये 96/100 और ये 125/100। उस मैंने माना कि वो आय एक्स थी और वो कितनी हो जाती है, 72,000 रुपये, कितनी हो जाती है, 72,000। तो उसने पूछा है कि उसकी वर्तमान आय क्या है। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा 5/4 आपका, ये एक्स एज इट इज है, ठीक है। देखिए ये एक्स एज इट इज है 5/4, इसका लिखो, इसका कितना जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 24/25, इसका 5/4 और इसका 24/25 और इसका 5/4, अब इस इक्वल टू 72,000। आप इसे एक बार काट लीजिए, इसे आप काटोगे 2, 5, 6, 25 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, और ये 2 बार और ये 3 बार, उसके बाद आप इसे देखेंगे ये 5 बार कटेगा, ये इसे 6 बार कटेगा, और ये देखिए ये कितना बच जाएगा, x इंटू ऊपर बच जाएगा आपका 6, 3, 18, नीचे बच जाएगा 5, 2, 10 इज इक्वल टू 72,000, ठीक है। इसको आप काटो, ये कितने बार कटेगा, 4,000 बार, और इस इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 40,000।
आई होप ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है आपको एज इट इज वैसे के वैसे ही करते हुए चलना है, इजीली आप इसको कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आप थोड़ा सा आपको बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो चलिए आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई, जल कर में क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, उसकी खपत में 20% की कमी हो गई। जल कर में 20% की वृद्धि हुई और उसकी खपत में 20% की कमी हो गई। उसने कहा है कि धन को खर्च में वृद्धि का कितना कमी हुई। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी दो या तीन दो क्रमिक कमी या वृद्धि हो रही हो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। इसका मैंने आपको यूज भी बताया था कैसे कैसे करना है। देखिए उसने कहा कि 20% की वृद्धि हुई, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया, उसने कहा 20 की कमी हुई, मैंने -20 लिख लिया, माइनस में 20 × 20/100 कितना जाएगा 20/100, इस 20 से 20 कैंसिल, इस 0 से 0 से 0 -4%। इसका मतलब है कि 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी एक वस्तु में दो क्रमिक समान वृद्धि, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो तो उसमें हमेशा a² / 100 की क्या होगी, कमी होगी। ध्यान रख लेना इस चीज को कि उसमें हमेशा a² / 100 की क्या होगी, कमी होगी। दैट्स व्हाई 20% था, 20 ही घट रहा है, 20 ही बढ़ रहा है, तो a² / 100 कर दीजिए। a² का मतलब 400 × 100 यानी कि 4% की यहां पर क्या हो जाती है, मेरे पास हानि हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, उसने बोला है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। मैं लिखता हूं ये मैन है और ये यहां पर वोमेन है। उसने कहा है कि 40% महिलाएं हैं, इसका मतलब 40 महिलाएं हैं और 100 मेरे पास क्या है, पुरुष है। आगे क्या बोला है उसने, 70% महिला स्टाफ में और 50% पुरुष स्टाफ में विवाहित है। अच्छा 70% महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, यानी कि 28 महिलाएं विवाहित हैं, और पुरुष कितने हैं, पुरुष 50% यानी कि 30 पुरुष विवाहित है। उसने हमसे क्या बोला है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार विवाहित स्टाफ निकाल लेता हूँ, तो मेरा विवाहित स्टाफ है जो कितना हो जाएगा, 30 और 28 58% तो विवाहित है। यदि हम बात करेंगे अविवाहित की तो इसको 100 में से घटा देंगे, यानी कि 42% जो ऐसा स्टाफ है जो कि अविवाहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका चला जाता है। ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में आ जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक परसेंटेज से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1000 निवासी, कितने निवासी हैं मेरे पास, 1000 निवासी। एक बार इसको मैं रफ कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी आपको ये वीडियो लग रही है। यदि आप यहाँ तक भी इस वीडियो को देख रहे हो, और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप अच्छा वर्क हार्ड कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज मैं आपको वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए उसने कहा कि 1000 निवासी है, टोटल कितने निवासी हैं, 1000 निवासी, 1000 निवासियों में 60% पुरुष है। यदि यहाँ पर बात करूँ मैं मेल कैंडिडेट की तो वो 60% है, इसका मतलब वो हो जाएंगे 600, और बात करूँ मैं यहाँ पर फीमेल की तो वो हो जाएंगी कितनी, 400, कितनी हो जाएंगी, 400। उसने कहा कि उनमें से 20% साक्षर हैं। अच्छा जो ये पुरुष हैं इनमें से 20% साक्षर है, इसका मतलब 120 बंदे, कितने बंदे, 120 बंदे इनमें से लिटरेट है यानी कि साक्षर है। आगे क्या बोला है उसने, 25% सभी निवासियों का 25% साक्षर है। उसने कहा कि टोटल जो निवासी है ना उसका 25% साक्षर है,
तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास टोटल है 1000 और इसका 25% जब साक्षर होगा तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250 बंदे साक्षर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, 250 में से 120 तो पुरुष साक्षर हैं, तो महिलाएं कितनी साक्षर हो जाएंगी, 130 हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि महिलाएं कितनी प्रतिशत साक्षर हैं, तो देखिए 130 महिलाएं साक्षर हैं, वो कितने पर, 400 पर। कितने पर आ रही है, 400 पर। और आप इसे निकाल दीजिए ऐसे। अब आप इसे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और आप इसे निकाल सकते हैं, 4 3 12 आ जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 4 2 8 बच जाएगा और यहां पर आपका 32.5% है जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो इस तरह से आपको परसेंटेज है जो आप निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। और आप हमारा फेसबुक पेज जो ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर सर्च करना है आपको प्रजापति स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।